तो एचकेसी के बारे में बात कर रहे थे हम, पीआईबी के अंदर ये हांगकांग कन्वेंशन के बारे में आर्टिकल था, तो इसके ऊपर तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हांगकांग कन्वेंशन के ऊपर। पहली स्टेटमेंट कहती है इट वॉज अडॉप्टेड बाय आईएमओ दैट इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन 2009। तो आईएमओ ने 2009 में एचकेसी को अडॉप्ट कर लिया था, हो सकता है। द कन्वेंशन इज इन फोर्स सिंस 2005, 2005 से ये जो कन्वेंशन है ये इम्प्लीमेंट करी जा चुकी है और ये फोर्स के अंदर है, हो सकता है। थर्ड, द कन्वेंशन इज एम्ड एट इंश्योरिंग दैट शिप्स डू नॉट पोज एनी अननेसेसरी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। तो जो ये कन्वेंशन है ये इंश्योर करती है कि जब भी आप शिप को रिसाइकल करते हैं या फिर शिप की जब पूरी लाइफ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद शिप जो है किसी भी तरीके के ह्यूमन हेल्थ को किसी भी तरीके का डेंजर नहीं देगी, किसी भी तरीके की सेफ्टी को सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और ये जो सेफ्टी है ना कि सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए लेकिन एनवायरमेंट के लिए भी वहां पर होनी चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि जो कन्वेंशन है उससे ह्यूमन हेल्थ को और साथ में एनवायरमेंट को शिप्स से कोई भी नुकसान नहीं होगा। टेक 15 सेकेंड्स, फिर एचकेसी को डिस्कस करेंगे। Few more seconds. चलिए, तो यहाँ पे हांगकांग कन्वेंशन जो है ये 2009 में इम्प्लीमेंट करी गई थी, ठीक है, और आईएमओ ने इसे अडॉप्ट करके रखा है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं, द कन्वेंशन इज इन फोर्स सिंस 2005। तो ये अभी जो कन्वेंशन है फोर्स में नहीं आई है, क्योंकि इस कन्वेंशन को फोर्स में आने के लिए कुछ नंबर ऑफ कंट्रीज है जिसको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि इट इज नॉट रेटिफाइड बाय 15 नेशंस। तो इसको फोर्स में आने के लिए 15 कंट्रीज जो है उसको इसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन 15 कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए कन्वेंशन अभी तक फोर्स में नहीं आई है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। फाइनल स्टेटमेंट को देखते हैं, द कन्वेंशन इज एम्ड एट इंश्योरिंग कि शिप्स की वजह से किसी भी तरीके का अननेसेसरी रिस्क नहीं होना चाहिए ह्यूमन हेल्थ को, सेफ्टी को और एनवायरमेंट को। तो तीनों को ही किसी तरीके का यहाँ पर रिस्क नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है। पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, अभी ये फोर्स में नहीं आई है। कुछ और देख लेते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर शिप रिसाइकलिंग बिल और एज पर एचकेसी लाने का रीजन क्या है, बिकॉज इंडिया जो है ना शिप रिसाइकलिंग के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। बाकी जितनी भी कंट्रीज है खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये अपनी जो शिप्स रिसाइकिल करने के लिए क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज को देती है और खासतौर पे यहाँ पे इंडिया को देती है। अब इंडिया को फायदा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मिल जाती है और काफी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, जब बाहर के लोग अपनी शिप्स को रिसाइकिल करने के लिए इंडिया को देंगे तो हमारा एनवायरमेंट तो खराब होगा ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आ रही थी, इसलिए इस बिल की जरूरत थी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिले, हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लेकिन साथ में हमारा ह्यूमन हेल्थ को नुकसान नहीं हो और साथ में हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो। इसी वजह से ये जो बिल था ये लाया गया था। तो शिप रिसाइकलिंग को एक तरीके से रेगुलेट करने की बात करें ताकि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है उसको रेगुलेट किया जा सके।